आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी है रामायण का? We have the Hindi book actually, and soft copy actually I have in English, but it's on the iPad and I sent it for repair. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। पता नहीं, हो सकता है वो कहीं बिजी हो गए होंगे। Must be, yeah. Rishika, do you have the pages that I sent to you last time? But do you like have it with you right now? Then we can continue reading. So we finished at page 108, last paragraph. You can just read the last two paragraphs again. So that continuity. Well. Okay, wait, let me just check in the WhatsApp. 108, hold on. You want me to resend you the... I thought the soft copy ka issue sort out ho chuka hoga. So you want me to send you the page again, or what is it? What did you say? Okay, hold on. Yeah, not after that. Yeah, but I don't have it with me, no, the iPad, so how would I? If you can check on the WhatsApp chat, if that is possible for you. किसी के पास हार्ड कॉपी नहीं है? We have the Hindi version, Prabhuji. I have the Hindi book, but I cannot read Hindi well. So, last time we read in English. Okay. Who can read Hindi well then? उनके पास बुक भी होना चाहिए. हाँ भाई. She is traveling, right? Okay. I have Hindi version. I have Hindi hard copy. The same one that आपको we have मिला? या शिपा माता जी, आपको मिला? और एल्सा so it's I can I can, I'll have to get the book. Let me find the book. Yeah, I got the book. Just give me a second. So last we were reading, Rishika, about Lord Ram having a conversation with Kaushalya Mata, and then he said that no, we cannot disobey father's orders. Mil gaya aapko? You want to, so if you can continue then do that. Also, I also got the book. If you have, Prabhuji, then I checked, it is on page 106, the last two paragraphs. We can start if you have it. Yeah, I have it. Is that the one? 106. Kintu Kaushalya. किंतु कौशल्य को राज्य से कोई सरोकार नहीं था, राइट? यस प्रभु जी. ओके, देन आई कैन रीड. थैंक यू प्रभु जी. थैंक्स ऋषिका. ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. सो यहाँ से ही करना ना, किंतु कौशल्य को राज्य से कोई सरोकार नहीं था. So we generally what do we do? We are just reading, and he mentioned that if we have any questions, we can just note them down
Okay. At the end of the reading session, like once we finish reading the book, then we would discuss the ओके questions. ओके ओके ठीक है, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। ओके थैंक यू प्रभु जी. किंतु कौशल्या को राज्य से कोई सरोकार नहीं था, उन्हें तो केवल अपने प्रिय पुत्र से वियोग का भय था। उन्होंने कहा, हे पुत्र राम, तुम वन में मत जाना। पिता की आज्ञा का पालन करके वन जाने की अपेक्षा यहाँ रहकर अपनी लाचार माता को सुखी रखना अधिक न्यायोचित है। राम, यदि तुम अयोध्या छोड़कर जाओगे तो मैं आमरण उपवास कर लूंगी, क्योंकि तो जीवन मेरे लिए असहनीय हो जाएगा। राम ने उत्तर दिया, हे माता, पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है, अतः आपको मुझे अनुमति दे देनी चाहिए ताकि मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर सकूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। तनिक ध्यान दीजिए कि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका को शीश विहीन कर दिया। परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का शीश विहीन कर दिया। उसी प्रकार मुनि कंदु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गौ हत्या की। अतः मुझे भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। अपने भाई लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम ने कहा, मेरे भाई, स्वयं को सर्वनाश करने वाले क्रोध के आवेग में न भागने दो। बलपूर्वक सिंहासन प्राप्त करके करने का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करो। तत्पश्चात राम ने कौशल्या से कहा, माताश्री, आप स्वयं को कष्ट न दे अथवा अपना जीवन समाप्त करने की बात न करें। मेरे वनवास का समय समाप्त होने पर मैं आपके पास लौट आऊंगा, अतः कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अनावश्यक पश्चाताप से मुक्त होकर प्रस्थान कर सकूं। लेट मी नो इफ कहीं पे क्लियर नहीं है तो आई कैन रिपीट। श्योर प्रभु जी. किंतु कौशल्या निराशावश केवल विलाप कर रही थी। तब राम ने दृढ़ होकर अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, पिता की आज्ञा के पालन करने की मेरी इच्छा का विरोध करके आप दोनों मेरा दुख वर्धन कर रहे हो। पिता की आज्ञा के पालन करने की मेरी इच्छा का विरोध करके, ओके, हु इज सेइंग दिस? राम ने कहा, ओके, मैं आपके कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूं। तब लक्ष्मण को शांत करने के लिए राम ने कहा, मेरे भ्राता, भरत का राज्याभिषेक होते ही सभी सामान्य हो जाएंगे, तब तुम सरलता से अपना दुख भूल जाओगे। कैकेयी का दोष ना दो, क्योंकि वह तो भाग्य विधाता के हाथों एक निमित्त मात्र है जो सभी के भाग्य निश्चित करता है। लक्ष्मण शांत नहीं हुए एवं क्रोधित होकर बोले, हे राम, ऐसा लगता है कि आप निर्बल हो गए, क्योंकि आपने व्यक्तिगत पराक्रम के प्रति अपनी क्षत्रिय श्रद्धा त्याग दी है और आप और सब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। किंतु मैं ऐसा शक्तिहीन नहीं हूं और अपने पराक्रम से भाग्य पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मैं आज ही राज सिंहासन पर आपका राज्याभिषेक करवाऊंगा। यह सुनकर कौशल्या समझ गई कि राम को रोक पाना कठिन है।
तब वे प्रार्थना करने लगे, मेरे पुत्र, जब तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर ही लिया है, तब कृपया मुझे अपने संग वन में चलने की अनुमति दे दो। राम ने कहा, माता कैकेयी द्वारा छले जाने एवं आपके द्वारा त्यागे जाने के पश्चात पिताश्री निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगे। एक पतिव्रता एवं गुणवती स्त्री का प्रथम कर्तव्य है कि वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पति के आश्रय को न त्याग। जब तक वह जीवित है, पति ही उसके लिए भगवान के समान। कोई स्त्री कितनी भी धार्मिक व गुणवती क्यों न हो, यदि वह अपने पति की सेवा न कर सके तो वह पापिन के समान। पत्नी का कर्तव्य पति को प्रसन्न रखना एवं उसकी आज्ञा का पालन करना और किसी के लिए, यह सभी शास्त्रों का कथन। कृपया आप मेरे पिता के साथ रहते हुए मेरी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं 14 वर्षों के पश्चात अवश्य लौट कर आऊंगी। माता कौशल्या ने राम के साथ जाने की आशा त्याग दी और अंततः वे राम को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। राम को वन जाने की अनुमति देने के पश्चात कौशल्या अपने पुत्र की कुशलता के लिए ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए आग्रह करने लगी। कौशल्या ने कहा, तुम शीघ्र लौट जाओ, लौट आओ, ताकि मेरी प्रसन्नता लौट आए, सत्य तुम्हारी रक्षा करे, देवतागण एवं दिव्य शस्त्र तुम्हारी सुरक्षा करे, धरती, स्वर्ग, वायु, भूमि, जल तथा सभी जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं तुम्हारी रक्षा करें, दिन रात, सूर्य, चंद्र सभी तुम्हारी रक्षा करें। हे राम, तुम सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सीता को राम के वन निष्कासन निष्कासन की कोई सूचना नहीं थी। दीर्घ काल से वह प्रसन्नता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः जब राम उनके कक्ष में पहुंचे, तब सीता ने देखा कि वे उदास, व्यग्र एवं चिंतित लग रहे थे। उनके संग प्रायः आने वाले अनुचर भी उनके साथ नहीं। सीता ने पूछा, मेरे प्रिय राम, क्या बात है? निसंकोच राम ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़कर वन में निवास करने की आज्ञा दी है। राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाना है। बहुत पहले मेरे पिता द्वारा दिए गए 2 वरदानों के रूप में कैकेयी ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करवाने एवं मुझे वन में भेजे जाने की मांग की है। मेरी प्रिय सीता, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के सिवाय मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो, प्रतिदिन जाकर मेरे पिता का सादर चरण स्पर्श करना एवं भरत की आज्ञा का पालन करना। मेरी प्रियतमा, वन के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं केवल तुमसे भेंट करने के लिए आया हूं। राम की बात सुनकर सीता कुछ रुष्ट हो उठी। प्रेम जनित रोष से उन्होंने उत्तर दिया, हे राम, आप मेरे पति हैं तथा पुरुषोत्तम हैं, यह क्या परामर्श दे रहे हैं? पति के भाग्य की भागीदार
बनना प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य, मैं अवश्य ही वन में आपके साथ जाऊं। एक पिता, माता, भ्राता, पुत्र एवं पुत्रवधि, पुत्रवधु, सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किंतु एक पत्नी को अपने पति का अनुसरण हर परिस्थिति में करना होता है। मैं किसी नहीं ग्रहण कर सकती, स्वयं के लिए नहीं, मेरे पति ही मेरी एकमात्र शरण है। अतः मैंने आपका अनुसरण करने का निश्चय किया। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी एवं आपके भोजन करने के पश्चात ही भोजन करूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आप असंतुष्ट हो। मैं पर्वतों, नदियों एवं झरनों को देखकर हर्ष का अनुभव करूंगी। मुझे कभी थकान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके संरक्षण में सुरक्षित अनुभव करूंगी। मैं स्वर्ग में ही नहीं, स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहती यदि आप वहां नहीं हैं। हे प्रियतम, मैं केवल आपसे ही प्रेम करती हूँ। आपके बिना निश्चय ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। ऑल गोइंग गुड सो फार? यस प्रभु जी, उन्हें दुर्बल जानकर राम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। अतः उनको हतोत्साहित करने के प्रयास में राम ने कहा, हे सुकुमार स्त्री, वन में रहने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। वहां विश्राम करने के लिए कोमल शैया नहीं होगी, तथा कड़ी धूप, शीत एवं मूसलाधार वर्षा के प्रकोप का सहन करना पड़ेगा। भोजन के लिए वहां केवल फल मूल ही प्राप्य है। वहां शिकार की खोज में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों का भय सदैव व्याप्त रहता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें कदापि अपने संग वन में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। राम की अस्वीकृति सुनकर सीता अपने प्रभु के वियोग के भय से कांपने लगी। उनके नेत्रों से मोती सदृश आंसू इस प्रकार बहने लगे जैसे कमल के पत्र से जल की बूंदें गिरती। सीता ने कहा, जब तक मैं आपके साथ हूं, किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा भय से मैं प्रभावित नहीं होऊंगी। हे प्रिया, अपने पति के बिना एक स्त्री जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे, तो मैं विष खाकर, अग्नि में जलकर अथवा जल समाधि लेकर अपने प्राण प्राण त्याग दूंगी। मेरे विवाह से पूर्व एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने जीवन का कुछ समय वन में व्यतीत करना होगा। अतः मेरे पतिदेव, मुझे ज्ञात है कि मेरे भाग्य में आपके संग जाना लिखा है। आपके साथ रहते हुए जीवन स्वर्ग की भांति है, जबकि आपके बिना वह नरक के समान। अतएव आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। राम की अनिच्छा देखकर सीता को ऐसा लगा मानो वे दुख दुख के अथाह सागर में गिर रही हो। अतः अपने पति के वियोग के भय से वे विक्षिप्त सी हो गई। राम के हठ को और अधिक सहन कर पाने में असमर्थ सीता राम से कहने लगी, मेरे पिता ने आपको दामाद के रूप में चुनकर त्रुटि की है। आप अपनी उस पत्नी से पृथक रहने का विचार किस प्रकार कर सकते हैं जिसने किशोरावस्था आने के पूर्व ही आपके साथ विवाह किया हो? क्या आप इसे उसे असुरक्षित और अन्य व्यक्तियों की आंखों के सामने खुला छोड़ देंगे? अयोध्या की प्रजा मूर्ख है, जैसा कहती है कि आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं।
आपका गौरव अतुलनीय है, आपके वन चले जाने पर मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, आप मुझे साथ ले चले अथवा मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। रोते हुए उनका हृदय दुख संतप्त हो गया, ऐसा लगता था कि वे मूर्छित हो जाएंगे। उनकी यह करुण दशा राम के लिए असहनीय थी। उनका हृदय द्रवित होने लगा और उन्हें अपनी प्रिय सीता को बाहों में ले लिया। तत्पश्चात राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे अवश्य ही उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। शिल प्रभुपाद समझाते हैं, वैदिक सभ्यता में रानियों के द्वारा अपने पति के प्रति किए गए इस प्रकार के समर्पण एवं त्याग के सैकड़ों उदाहरण भाग्य की देवी सीता माता ने वन में जाकर अपने पति भगवान रामचंद्र का अनुसरण किया। भगवान रामचंद्र अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में गए, किंतु यह आज्ञा सीता माता के लिए नहीं थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। ऐसी रानियां सामान्य जन को यह शिक्षा देती है कि कैसे एक सती पत्नी जीवन की प्रत्येक अवस्था में अपने पति का अनुसरण करती है। जब पति राजा होते हैं तब वे रानी बनकर उनके साथ बैठती, और जब वे जन बन जाते हैं तब वन जीवन की नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहन करते हुए भी उनका अनुसरण करती है। राम कहने लगे, प्रिय सीता, मैं तुम्हारे मन की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाने के कारण ही तुम्हें छोड़कर जाने का प्रयास करता। जिस प्रकार एक विवेकी व्यक्ति दया भावना का त्याग कभी नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं कर सकता। हे सीता, यह जानकर कि तुम दुखी हो, मैं सुखपूर्वक कैसे रह सकता हूं? अब जाकर अपनी सभी बहुमूल्य वस्तुएं, जवाहरात, वस्त्र और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ब्राह्मणों को दान में दे। जब सीता प्रसन्नता पूर्वक चलने लगी तब लक्ष्मण ने, जो पास ही खड़े थे, आगे आकर राम के चरण कमलों को पकड़ लिए। अश्रुपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मण ने विनती की, हे राम, कृपया आप मुझे भी आपके साथ वन चलने की आज्ञा दें। लक्ष्मण को हतोत्साहित करने के विचार से राम ने कहा, मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यहीं अयोध्या में रहकर हमारी दोनों माताओं कौशल्या एवं सुमित्रा की सेवा करनी चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा के बिना वे निश्चय ही कैकेयी के दुर्व्यवहार का शिकार होंगी। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा निश्चय ही हमारे भाई भरत सभी का पालन करेंगे, हमें अपनी माताओं की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राम, जब आप वन में भ्रमण करेंगे तब मैं अपने हाथ में धनुष लिए आगे चलूंगा, ताकि आप एवं सीता चिंता मुक्त होकर वन में दृश्यावलोकन का आनंद ले सके। मैं आपके लिए फल मूल लेकर आऊंगा एवं जब आप सो जाएंगा ये गलत है यार, जब आप सो जाएंगे तब मैं प्रहरी का कार्य करूंगा। ये मुंबई वाला लैंग्वेज हो गया, सो जाएंगे। अंततः राम सहमत हो गए तथा लक्ष्मण से बोले, तुम आ सकते हो, किंतु उसके पूर्व अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर लो, फिर जाकर महाराज जनक को वरुण द्वारा प्रदत्त दो शक्तिशाली धनुष, शक्तिशाली तलवारों का एक जोड़ा
कवच एवं दो अक्षय तरकश ले आओ। ये सभी हथियार लेकर तथा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके यहाँ आ जाओ, तत्पश्चात हम प्रस्थान करेंगे। राम की आज्ञा का पालन करने के पश्चात लक्ष्मण लौट आए। तब राम ने अपनी संपत्ति को दान में देने हेतु सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। शीघ्र ही वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ तथा अगस्त्य एवं विश्वामित्र के पुत्र राजमहल में पधारे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात राम ने अपने आश्रितों को अपनी अनुपस्थिति में महल की देखरेख करने की आज्ञा दी। तब राम ने अपने कोषाध्यक्ष को उनकी संपूर्ण संपत्ति लाने की आज्ञा दी। शीघ्र ही वस्त्र, रथ, पशु सहित स्वर्ण एवं आभूषणों जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का अंबार लग गया। इस प्रकार राम अपनी समस्त धन संपत्ति वितरित करने लगे। अयोध्या के निकट स्थित वन में त्रिजट नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। अपनी अतिशय निर्धनता के कारण वह दुर्बल हो चला। उसकी पत्नी ने उनसे विनती की कि वह अयोध्या जाकर राम से कुछ दान लेकर आए। अतः ब्राह्मण तैयार हुआ और जब राम अपनी संपत्ति का दान कर रहे थे उसी समय वह वहां पहुंचा। जब उस ब्राह्मण ने राम के पास जाकर अपनी निर्धनता का वर्णन किया तब राम ने परिहास करते हुए कहा, यह छड़ी लो और इसे जहां तक फेंक सकते हो फेंक दो। जितनी गाय को यह छड़ी पार कर जाएगी वह सब मैं तुम्हें दान में दे दूं। उस ब्राह्मण ने कमर कस ली एवं उत्तेजना पूर्वक वह छड़ी वायु में फेंकी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी छड़ी वायु में मंडराते हुए सरयू को पार करके नदी के तट पर चर रही सहस्त्र गायों के झुंड के परे जा गिरी। राम ने उस ब्राह्मण का आलिंगन कर लिया और कहा, मेरे परिहास से अपमानित मत होना, मैं तो केवल तुम्हारे ब्राह्मण पराक्रम का प्रदर्शन देखना चाहता था। तत्पश्चात राम ने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी ब्राह्मण, संबंधी, आश्रित एवं भिखारी उस दिन दान प्राप्त करने से वंचित न रहे। राम, सीता एवं लक्ष्मण तब पैदल चलकर अयोध्या की गलियों से होकर महाराज दशरथ के महल की ओर चल दिए। नागरिक राम को इस प्रकार से जाते हुए देखने लगे। कोई 7 मंजिले भवन से देखता तो कोई गली के जनसमूह में से। सभी शोक से व्याकुल थे, वे विलाप करते, हाय यह कैसा दुर्भाग्य कि जो जो सीता पहले कभी जन साधारण के समक्ष न आई आज उन्हें साधारण जनता भी देख रही है। हम सभी परिवार सहित राम के साथ चले जाएंगे ताकि यह अयोध्या निर्जन वन के समान हो जाए एवं वन नगर के समान लोगों से भर जाए। कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करते ही राम ने सुमंत्र को देखा तथा उस सारथी से कहा कि वह राजा को उनके आगमन की सूचना दे। राम के आगमन की सूचना प्राप्त होने पर महाराज दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि वह उनकी सभी रानियों को बुलवा लाए ताकि वे उन सभी की उपस्थिति में राम से भेंट कर सके। शीघ्र ही 350 युवा दासियां आई एवं कौशल्या को घेर कर खड़ी हो गई। तत्पश्चात जब राम, सीता व लक्ष्मण सहित
अपने पिता के कक्ष में गए, तब राजा दशरथ उनका आलिंगन करने दौड़े। शोक से व्याकुल राजा अपने प्रिय पुत्र के निकट पहुंचने से पूरे ही अचेत हो गए। यह देखकर राम ने शीघ्रता पूर्वक उनके पास जाकर उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया, जिसे देखकर वहां उपस्थित अन्य सभी दुख से विलाप करने लगे। अपनी शैया पर लाए जाने के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आई। तब राम ने कहा, पिताश्री, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ, कृपया मुझे सीता एवं लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान करने की अनुमति दें। महाराज दशरथ विनती करने लगे, राम मेरा सुझाव मानो, मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक यह राज सिंहासन ले लो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। राम ने कहा, पिताश्री, मुझे इस पृथ्वी के साम्राज्य अथवा राज वैभव की कोई कामना नहीं है। तब महाराज दशरथ ने कहा, तुम मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, किंतु केवल एक दिन के लिए ठहर जाओ, ताकि मैं जी भरकर तुम्हें देखने का अवसर पा सकूं। किंतु राम ने कहा, मुझे शीघ्र अति शीघ्र शीघ्रता शीघ्र प्रस्थान करना होगा। आपके वचन का पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, साथ ही साथ माता कैकेयी की आज्ञा का भी पालन करना है, मुझे तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करना। तो कब तक पढ़, हाउ लॉन्ग वी रीड टिल व्हाट, 9 o'clock? यस बाबा जी, यूज़ करना ओके ओके, वी कैन रीड 5 minutes, है। फाइव राइट बाबा जी, सो देन वी कैन, किसी को कुछ अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो वी कैन हैव, अदरवाइज वी कैन मीट इन लाइन एंड देन ओके। ओके सर जी। ठीक है, मुझे तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करना होगा। तब महाराज दशरथ ने राम का आलिंगन किया तथा वे पुनः अचेत होकर गिर गए। सुमंत्र भी करुण विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। कैकेयी के अतिरिक्त सभी उच्च स्वर से विलाप कर रहे। सुमंत्र का राज परिवार से अत्यंत घनिष्ठ संबंध था, अतः इस आपदा के कारण वे अन्यों की अपेक्षा अधिक दुखी थे। अकस्मात सुमंत्र कैकेयी के पास जाकर उनकी भर्त्सना करने लगे। अरे नीच स्त्री, राम को दूर भेजकर तुम स्वयं अपने पति की मृत्यु का कारण बनोगी। तुम्हारी स्वार्थपूर्ण मांग से ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपे जाने के धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तुम्हें अपने कुकर्मों का दुष्परिणाम भोगना होगा, क्योंकि राम के चले जाने पर सभी ब्राह्मण उनका ही अनुसरण करें। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में सभी ओर अमंगल हो जाएगा। मैं तुम्हारे लाभ के लिए एक कथा सुनाता हूं। एक बार तुम्हारे पिता कैकेयी ने एक ऋषि से यह वरदान प्राप्त किया कि वे सभी भाषाओं को समझ सके, प्राणियों की भाषा को भी। किंतु वरदान देते समय ऋषि ने एक शर्त रखी, यदि कैकेयी प्राणियों की भाषा सुनकर उसका अर्थ बताएंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। तत्पश्चात एक समय राजा ने किसी पक्षी की तीव्र चीख सुनी। चूंकि उन्हें पक्षी की बोली का अर्थ समझ में आ गया, अतः वे हंसने लगे। किंतु रानी अर्थात तुम्हारी माता समझी कि वे उन पर ही हंस रहे हैं, अतः उन्होंने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी हास्यास्पद बात थी। तब राजा ने अपनी रानी को ऋषि द्वारा वरदान की बात बताकर सावधान किया कि पक्षी की भाषा का रहस्य खोलने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मूर्ख रानी इतनी हठीली हठीली एवं ईर्ष्यालु थी कि वह कहने लगी, आप जीवित रहे या मरे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं केवल यह जानना चाहती हूं कि आप क्यों हंस रहे हैं। विवश राजा उस ऋषि के पास पहुंचे जिन्होंने उन्हें वह वरदान दिया। राजा ने ऋषि को अपनी स्थिति से अवगत कराया। ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि वे पक्षी की भाषा का रहस्य न खोले एवं अपनी पत्नी को ऐसी
धृष्टता करने के लिए डांटे। ऋषि की बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए महाराज कैकेयी ने साहस जुटाकर अपनी पति को कठोरता पूर्वक डांटा और तब से वे सुखपूर्वक रहने लगे। कैकेयी, तुम भी उसी प्रकार से अपने पति की संग धृष्टता कर रही हो, अपना दोष स्वीकार करो एवं इस निकृष्ट योजना को त्याग दो। किंतु कैकेयी पर इस उपदेश का तनिक भी प्रभाव ना हो। तब राम के राज्य से निष्कासन की घटना को अवश्यम भावी समझकर राजा दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी, जाकर अक्षौहिणी सेना तैयार करो एवं व्यापारियों, शिकारियों तथा राजकीय कोषाध्यक्ष की व्यवस्था करो ताकि वे सभी राम के साथ जा सके। यद्यपि वे वन में रहेंगे किंतु मेरे प्रिय पुत्र को सुख एवं आनंद की वस्तुओं का अभाव तो नहीं होगा। यह सुनकर कैकेयी को भय हुआ, यदि राज्याभिषेक से पूर्व ही राज्य में इन वस्तुओं का अभाव हो जाए तो भरत ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। निरंतर शिथिल पड़ रहे राजा दशरथ ने कहा, यदि तुम राम को सुख सुविधाओं के साथ वन में जाने की आज्ञा नहीं दोगी तो मैं स्वयं सारी प्रजा को लेकर उसके साथ चला जाऊंगा। कैकेयी पलट कर बोली, हमारे वंश में राजा सगर का उदाहरण आता है, उन्होंने भी अपने पुत्र असमंजस को वन में निष्कासित किया था, अतः आपको भी राम को उसी प्रकार निष्कासित करना चाहिए। यह सुनकर महामंत्री सिद्धार्थ ने टिप्पणी की, असमंजस को तो नन्हे शिशुओं को यमुना नदी में डुबा देने में आनंद आता था। जब प्रजा ने राजा सगर से उसकी शिकायत की तब उन्होंने अपने क्रूर पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया। आपकी तुलना कैसे मान्य हो सकती है? राम का क्या दोष है? राम ने हस्तक्षेप किया, मेरे प्रिय पिता श्री उदास न हो, मुझे जो राजकीय सुविधाएं आप देना चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैकेयी की दासियों को तुरंत मेरे लिए वृक्ष की छाल लाने दें ताकि मैं वनवास के लिए उचित वस्त्र धारण कर सकूं। ओके, शैल बी एंड हियर? यस गुरुजी। एनी थिंग वी वांट टू डिस्कस? No? Yes, Guruji. Very nice story. Thanks. And obviously it's nice, but it feels very nice to hear, read and hear. Thank God I got opportunity. So you've read the entire book, Prabhuji? Yeah, I have read, but recently I haven't read. I'm reading it after quite some time. But I think bits and pieces may even have been read. Thank you, Prabhu. Anyway, shall I continue for 5 minutes more or kya? You have the time? Yeah, I can continue. Yeah, then let's see. If everybody is okay. Hare Krishna. Okay. ठीक है, मैं कंटिन्यू करता। यह आग्रह सुनकर निर्लज कैकेयी स्वयं जाकर वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र से आई तथा राम से उसे धारण करने के लिए कहा। राम एवं लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन करते हुए अपने अपने सभी राजोचित वस्त्र उतार कर कैकेयी द्वारा दिए वस्त्रों को धारण कर लिया। ओके, कैकेयी द्वारा वस्त्रों का धारण कर लिया, किंतु कुछ घास से एवं वृक्ष की छाल से बने वस्त्र को स्वीकार करके सीता अत्यंत असंतुष्ट हुई और उनके नेत्र अश्रु पूरित हो गए।
जब वे वेस्ट वस्त्र धारण करने लगे तब वे फिसल जाते, क्योंकि उन्हें ऐसे वस्त्र पहनने का अभ्यास नहीं था। तब राम ने सीता की रेशमी साड़ी से के ऊपर से उस वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र को लपेट दिया। यह सब वशिष्ठ के लिए असहनीय था। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उन्होंने राम को रोका एवं कैकेयी की भर्त्सना करते हुए बोले, अधम स्त्री, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सभी राम का अनुसरण करने के लिए उद्यत, वस्तुतः तुम देखना कि भरत एवं शत्रुघ्न भी उन्हीं का अनुसरण करें, तुम्हें अकेले निर्जन राज्य का शासन करने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम सीता का तो सुविधाजनक वस्त्र धारण करने की एवं किसी सवारी पर जाने की अनुमति दो। किंतु सीता अपने पति का अनुसरण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। उन्होंने वन्य वस्त्रों को धारण कर लिया। सीता को ऐसे वस्त्रों में देख महल में रहने वाले सभी व्यक्ति राजा दशरथ की भर्त्सना करने लगे। यह सब सुनकर अब राजा को जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं रही। महाराज दशरथ स्वयं को धिक्कारने वाले टूटे फूटे शब्दों को बुदबुदाते हुए 1 घंटे से भी अधिक समय तक भ्रांतचित पड़े रहे। तत्पश्चात जब राजा थोड़ा शांत हुए तब उन्होंने सुमंत्र से कहा कि वह राम के वन जाने के लिए रथ ले आए। उस समय कौशल्या ने सीता को गले लगाकर उन्हें कुछ स्त्रियोचित परामर्श दिया। यह सर्व विदित है कि बुरा समय आने पर स्त्रियां अपने नेक एवं प्रिय पति का भी परित्याग कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां पूर्व स्नेह भूल जाती हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। कृतघ्नता के कारण ऐसी स्वार्थी स्त्रियां बुद्धि, उपहार या विवाह द्वारा भी मर्यादित नहीं होती, किंतु ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो स्वभाव से भद्र, सदाचारी तथा आज्ञाकारी होती हैं। वे अपनी पति का सर्वाधिक सम्मान करती हैं। हे सीता, राज्य से निष्कासन के कारण तुम मेरे पुत्र का तिरस्कार न करना। प्रत्येक परिस्थिति में तुम उन्हें अपना आराध्य देव ही मानना। उनकी बातों को हाथ जोड़े स्वीकार करते हुए सीता ने उत्तर दिया, पति के प्रति अपने कर्तव्यों को मैं भली भांति जानती हूं, कृपया आप मुझे दुराचारी स्त्रियों के विषय में न बताएं। राम से मेरा वही संबंध है जो चांदनी का चंद्रमा से है। तार के बिना वीणा संभव नहीं है, अथवा पहिए के बिना रथ का होना संभव नहीं है। उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई भविष्य नहीं है, भले ही उसके सहस्त्र पुत्र क्यों ना हो। श्री राम मेरे भगवान है और भगवान रहेंगे, मैं उनका तिरस्कार कैसे कर सकती। अपने पुत्र से होने वाली संभावित वियोग का विचार कर कौशल्या विलाप करने लगी। उनको सांत्वना देने के प्रयास में राम ने यह कहकर उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही यह समय व्यतीत हो जाएगा एवं वे लौट आएंगे। तब उन्होंने अपनी सौतेली माताओं से, जो उच्च स्वर में विलाप कर रही थी, प्रस्थान के लिए आज्ञा की याचना की। फिर राम जाकर अपने पिता के चरणों से लिपट। ओके, विल एंड हियर। इतना कुछ, ये मोस्टली दिस वाज कंटेनिंग दिस पति पत्नी पत्नी का जो कहानी
और मुझे अभी याद आया, अभी ट्रेन से आ रहा था पुणे से, तो एक स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे थे पति पत्नी, पति पत्नी मुझे लग रहे थे, काफी मतलब तो थोड़े एजेड थे, आई थिंक मे बी अराउंड इन 50s में भी ऐसा, गरीब थे, प्लेटफॉर्म पे लेटे हुए थे। तो पति जो मुझे लग रहा था कि वो शायद पी रखा होगा उसने, उधर ही लेटा हुआ था, और पत्नी उसका सर वर दबा रही थी। पति बीच बीच में देख रहा था, मैं थोड़ी अजीब सी हरकत कर रहा था, तो पत्नी उसको थोड़ा सा डांट भी रही थी, या फिर उसको अजीब से हाथ अजीब सा कर रहा था, उसको डांट रही थी, उसको डांट तो मतलब बेसिकली ठीक कर रही थी उसका, जो क्या कर रही है, थोड़ा डांट वांट रही थी। फिर मैं देख रहा था थोड़ी देर के बाद वापिस से उसका, फिर वो सर दबाने लग रही थी, फिर बाद में थोड़ी देर बाद देखा उसका जाके पैर भी दबा रही। तो ऑल्दो ही वॉज ड्रंक ही वॉज, बट स्टिल मैं देखा वो मतलब हाउ शी वॉज एक्चुअली, शी वॉज स्टिल शी वॉज सर्विंग। इवन प्रभुपाद गिव्स वन एग्जाम्पल, आई थिंक कोई तो ट्रेन में ही उन्होंने देखा था, कोई गरीब था, भिखारी था, ही वॉज वेरी, बट स्टिल दैट उसकी जो वाइफ थी उसको सर्व कर रही थी। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट वन वे एक्चुअली, यहाँ पे मोस्टली इट्स टेलिंग अबाउट पत्नी का, पति का भी देर इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। That's really, that's why it's called, that's it's called Vedic culture is so nice. Okay, we'll end here. Any further comments, questions, or shall I end? नो Anybody? क्वेश्चंस प्रॉब्लम. ओके, Okay. माधुरी माता जी हैज रेज्ड हर हैंड. यस माता जी, यस यू माता जी. अंडरस्टैंड, वी हैव हमेशा इतने कम लोग रहते हैं या फिर आज कम है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर अस एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली। आई थैंक्स डॉट, वांटेड टू थैंक्स टू यू ऑल हु एक्चुअली कम एंड अटेंड एंड हियर दिस, एंड I'm getting, I got chance to read actually. Yeah, मतलब दिस अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो इज सच अ नाइस, लाइक प्रभु रामचंद्र व्हेन अकॉर्डिंग टू द बीइंग ओबीडिएंट टू हिज पेरेंट्स या एंड टू हिज स्टेप मदर आल्सो, एंड ही टेक्स अप टू वनवास फॉर 14 इयर्स, एंड अलोंग विद हिम हिज अर्धांगिनी पत्नी, शी आल्सो सीता माता जी, शी Oh, जॉइंस विद हिम टू that's कम right. टू वनवास। But Yeah, we that's see right. nowadays, Prabhuji, that the newly wed couples, especially when if there is a guy who is probably want to settle abroad, then he keeps his wife for 6, 7, 8 months with his parents, and he first goes ahead, and then maybe she goes on a dependent visa or something like that, or he will go somewhere else to work until he gets married according to his parents' proposals that they bring for him. But then he keeps his wife to do the seva of his mother and father, and he works somewhere else. So is this appropriate? No, this is not appropriate. पहले तो ये बाहर काम करने के लिए जो जा रहे हैं ये सब नहीं एक्चुअली अप्रोप्रिएट है. ये सब तो अभी का सिस्टम हो गया है. कलयुग में है ऐसा, ये भी बताए कलयुग में ये सब भी होगा कि लोग अपने लिविंग के लिए दे स्टे अवे एंड ऑल दिस थिंग्स. एक्चुअली ये सब जरूरत ही नहीं है. इट्स ऑल फॉर लिविंग, फॉर सस्टेनेंस. इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. अदरवाइज इवन आई मीन इफ आई सी सम 30 इयर्स, मीन 30 साल, 20-30 साल पहले भी ले लो, तो ये इतना कल्चर नहीं, इतना डोमिनेंट नहीं था ये सब की लोग बाहर. अभी आजकल बहुत ज्यादा हो गया, बट पहले पीपल यूज टू लिव टुगेदर, ज्वाइंट फैमिली होती थी. मैंने खुद देखा है, मतलब वी यूज टू आई 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 वॉज ब्रॉट अप इन अ ज्वाइंट फैमिली, बट नाउ ऑल ऑफ अस, मीन मेरे जो
चाचा बेचा है, सब कोई अलग अलग जगह रहते हैं, हम लोग भी कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं, साल में एक आध बार दो बार बात भी हो गया, कजन वगैरह से तो बहुत है। मैं खुद जब मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, मैं तो हम लोग 8-10 भाई बहन सब साथ में रहते थे, एंड सारे फेस्टिवल सब कुछ साथ में सेलिब्रेट होता था, मतलब जो भी, एटलीस्ट दैट कल्चर वॉज देयर। इवन चाचा चाची लोग भी कुछ कुछ, मतलब भाई की फैमिली भी रहते थे साथ में। मेरी बड़ी दीदी थी, उनकी शादी मेरे पापा ने काफी कुछ सब कुछ, मतलब मेरे चाचाओं ने, मतलब उनके चाचाओं ने अरेंज किया था मोस्ट, मतलब ज्यादातर ज्यादा कुछ, मतलब मोस्ट ऑफ द अरेंजमेंट जो भी था, उनके पिताजी बाद में आए थे, तो लाइक दैट इट वाज। तो ये सब तो जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमारा ये, इसलिए तो प्रभुपाद बोलते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बेसिस लैंड एंड काउज, दैट इकोनॉमी उस पर डिपेंड होना चाहिए, ये सब। लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना प्रभु जी. सो या नाउ वी वांट न्यूक्लियर फैमिलीज एंड ऑल, अदरवाइज वी ऑलवेज हैड अ जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट. अभी तो न्यूक्लियर में भी सोचो ना, अभी बस हस्बैंड वाइफ एक बच्चे रहते हैं, एंड उसको एक दो बच्चा भी हो गया तो लोग थोड़ा सा, अरे दो हो गया उसको। मेरे रिसेंटली मेरे भाई को दो लड़का, अभी रिसेंटली उसको एक लड़का हुआ, मतलब 2-4 महीने पहले, तो एक फ्रेंड मुझे बोल रहा था, अरे दो हो गया उसको। मतलब अरे दो, अरे भाई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब यू आर नॉट गिविंग, इवन विद इन योर निकले फैमिली ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग दैट, भाई बहन का भी मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। सो डिग्रेडेड कल्चर जो है, लॉट सॉरी ऑफ डिसएडवांटेज एक्चुअली, देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेज इन अ न्यूक्लियर फैमिली। या लॉट ऑफ, कोई बीमार पड़ गया तो खाने बनाने के लिए कोई नहीं रहता है, अभी बोलो छोटी बच्ची है, हस्बैंड वाइफ दोनों, मेरे साथ भी हुआ ऐसा, चेन्नई में थे हम लोग, सबकी तबीयत एक साथ खराब है, अभी बच्चे को कैसे देखे आदमी है, उसको तो कुछ बना के देना ही पड़ेगा, बट कितना डिफिकल्ट हो जाता है। Also, at very young age, kids they are moving to different. Even in India, also now they are moving to different states, right? So they are not used to living alone. At very young age, they are moving, and then they are also cooking by themselves and all that. So a lot is changing. It's strange. तो दिस इज एक्चुअली प्रभुपाद का एक मिशन ये भी था टू एस्टैब्लिश दिस वर्णाश्रम सिस्टम, क्योंकि हमारा, क्योंकि हम इवन डिवोटी कम्युनिटी में भी आप देखो ना, तो दिस प्रॉब्लम इज देयर। डिवोशन कृष्णा कॉन्शियसनेस तो एक्सेप्ट कर लिए, बट जो बेसिक कल्चर है, जो उस चीज को, जो उसको कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस के लिए कंड्यूसिव है, वो नहीं है बेस। इस कारण से इवन डिवोटीज का भी डिवोर्स हो जाता है, वाइफ जो डिवोटीज जो कपल्स हैं, दे डोंट हैव दिस कल्चर दैट हाउ दे शुड ट्रीट ईच अदर, तो ये डिवोर्स होता है। इवन इस्कॉन डिवोटीज का भी डिवोर्स होता है, व्हाई? बिकॉज दिस कल्चर इज नॉट देयर, दैट्स Our व्हाई। education system also is little bit responsible दैट्स for व्हाई वी that. हैव टू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स। मेरे रिसेंटली मुझे एक, मैंने 1-2 महीने पहले सुना था, एक मेरे गुरु महाराज का एक बुक है ट्रेडिशनल इंडिया, यही जो महारामायण, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, ट्रेडिशनल इंडिया करके एक कुछ, तो ट्रेडिशनल इंडिया समथिंग करके, मुझे बुक का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। उस बुक को, इंडिया का कल्चर को उन्होंने काफी स्टडी करके, बिकॉज ही हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर द लास्ट मोर देन 40 ईयर्स एक्चुअली, सो ही नोज मोर देन अबाउट इंडिया कल्चर देन एक्चुअली आई कैन से आई नो, and he has moved all around India, and he has lived in Bengal, he's living since 40 years in this culture only, so he has given this book basis discussion, I mean conversation with different devotees and the culture he lived, practice and lived, and one person who actually got this book, somebody was distributing, and one person who got this book, he was thinking about a divorce actually, डिवोर्स करने का सोच रहा था अपनी पत्नी से, बट उसने ये बुक पढ़ा,
And he made that his wife also to read that book, and Varun and Demoska plan against it. So we can have that impact. कई बार हमने देखा कि कई बार लोग सुइसाइड करने जा रहे हैं, बट दे गॉट द बुक, दे रेड, दे कैंसिल द प्लान ऑफ सुइसाइड. सो सो मच एक्चुअली कैन बी डन बाय दीज बुक्स. एक्चुअली हमको वी डोंट नो कि कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा. हो सकता है जो लेगा हमसे बुक, हो सकता है वो नहीं पढ़ेगा, कोई और पढ़ेगा हमें हम, बट सब किसी का लाइफ हो सकता है बेटर. Mothers and Master by H.H. Bhaiya, that is a very nice book. Every women, actually, I would suggest you should read this. Mothers and Master. Yeah, I think you can get that in temple also. I don't know. If not, then this bbks.com. Yeah, it's available at ISKCON Jio, Prabhu. Yeah, you can get that book. Aur jo wo book maine wahi se purchase. Yeah, aur ek book jo maine recently bataya tha, how I lived, how I achieved real happiness, something करके मैंने link भी डाला था उसमें. That is there in you can get that online. I mean from BBKS. Yes, online only. It's not available at ISKCON. हाँ time हाँ ISKCON जुहू में नहीं होगा क्योंकि obviously it's माताजी ने लिखा है, not very obviously it's लोग जानते हैं उस book के बारे में. But that is also, since it is written by a woman herself, that's why I'm saying that you can get a soft copy or hard copy. It's very essential to have this basic understanding also, because that creates a very strong foundation to practice this Krishna consciousness. Unka videos bhi bahut acha hai. Okay, I wanted to ask you one more thing, that since you mentioned about the divorce. Actually, in Vedic culture, there is nothing like a divorce. Once you're married, you're married. Even in what God has made, joined together, the man cannot separate. So I also wonder that how in the devotees they get married and then there is a divorce. Influence of Western culture. What happens to this? Influence of Western culture. They can't tolerate strong influence. Actually, influence them, strong influence over there. Yeah, very strong. Okay, then we shall end. Thank you, thank you all. Thank you, Prabhuji.